जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन पे। काफी दिनों बाद में मिल रहे हैं, क्योंकि आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि यह समय अभी एक ऐसा है तो जिसके अंदर टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल है, और हमें आप लोगों के समक्ष अकेला खुद ही आप लोगों को सारी जानकारी देता हूँ। इसलिए हमारे पास में कोई ऐसा टीम नहीं है कि मेरे एब्सेंस के अंदर भी आपको कुछ बताए, तो ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि हम भी टीम रखने लायक बने और उसके बाद में आप लोगों का कंटिन्यू सब कुछ रहे। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो भी जानकारी है वो कंटिन्यू सुचारू रूप से करवाई जाए। इलेक्शनों का समय है और आप लोग भी इलेक्शन के अंदर बिजी हैं, बाकी सभी इलेक्शन के अंदर बिजी हैं, जिसके कारण से गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी आपकी वैकेंसी है उनका भी किसी का फिजिकल किसी का पेपर कुछ न कुछ होना है, तो जो सभी रुके हुए हैं तो अभी आप लोगों के समक्ष इन सभी का निस्तारण है वो होने के लिए है, क्योंकि सभी जगह लगभग चुनाव खत्म हो गए हैं। राजस्थान के अंदर भी 25 तारीख को इलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद में सभी डिपार्टमेंट वो फ्री है। आप लोगों की जो भी रिक्रूटमेंट जो अभी प्रगतिशील है जो चल रही है उनकी सभी के कुछ न कुछ उनका जो भी फिजिकल हो चाहे आपका रिटर्न हो उनको करवाने के लिए, तो हमारे सामने अभी एक वैकेंसी जो आप लोगों के समक्ष है राजस्थान पुलिस का फिजिकल, जिसकी पहले आपको डेट दी हुई थी लेकिन उनको ये परिहार्य कारण चाहे इलेक्शन हो चाहे इसके कारण से आप लोगों को उसका निरस्त कर दिया, और अभी इसकी आपके फिर से डेट है वो आप लोगों के समक्ष घोषित हो चुकी है, जो आप लोगों के लिए 18 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक आपका फिजिकल है वो होने वाला है। तो ये फिजिकल की इसके बारे में कंप्लीट जानकारी पहले भी आप लोगों को बता दी गई है, लेकिन फिर से मैं एक बार आप लोगों को सभी को इसे रूबरू करवाना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल है वो 18 से 23 दिसंबर को है, और इसके अंदर आपका एक सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड है वो इस विभाग की साइट के ऊपर आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप अपना सेंटर देख सकते हैं कि मेरा फिजिकल कहां पर होने वाला है। इसके बाद में दोस्तों यहां पर पहले भी आप लोगों को बताया, क्योंकि सीईटी के बाद में ये काफी संशय बना हुआ था कि फिजिकल के अंदर कितने को बुलाया जाएगा, कैसे फिजिकल की मेरिट निकालेंगे, तो अभी ये डिसाइड हो चुका है कंप्लीट, पहले भी हो गया था कि 54,000 कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती के अंदर आपका फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, जो कि 15 गुना है, और यहाँ पर आपके पीटी पीएसटी जो कि होने वाला है इसके अंदर 5 किलोमीटर की रनिंग है, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 25 मिनट में कंप्लीट करना है, फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 35 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना है, और इसके बाद में जो एक्स सर्विसमैन है उनको ये 5 किलोमीटर की दौड़ है वो 30 मिनट में कंप्लीट करना है। इसके साथ ही जो टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं और जो सहरिया जाति जो 12 डिस्ट्रिक्ट की, और इसके अलावा टीएसपी एरिया के एससी एसटी के कैंडिडेट जिनको 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में कंप्लीट करना है, ये इसका मोटा मोटी जो क्राइटेरिया है आप लोगों को मैंने बता दिया। अब कमी है या जरूरत है तो वो है आपकी तैयारी की, क्योंकि अभी आप लोगों के पास में काफी समय है इसके फिजिकल के लिए, तो जिन्होंने अभी से नया तैयारी करना चाह रहे हैं जो फर्स्ट डे से अगर तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफी समय है, वो अपना फिजिकल की आराम से तैयारी कर सकते हैं, और जो पहले से फिजिकल की तैयारी करता है तो उनको ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो अपनी अदर वैकेंसी की रिटर्न की तैयारी कर सकता है और इसमें एक टाइम वो अपना फिजिकल करे ताकि वो कंटिन्यू रहे रूटीन में रहे और वो फिजिकल को आसानी से पास कर सके। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप इसको सभी के साथ में साझा करेंगे शेयर करेंगे अपने परिवार से जुड़ेंगे, और इसी तरह की सभी जानकारियां चाहे वो किसी भी प्रकार की रिक्रूटमेंट हो उसकी गाइडेंस हो या इसके अलावा जो भी जानकारी मेरे से आप लोगों के जो हित में बनेगी वो मैं आप लोगों के लिए देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप इसी तरह से जुड़े रहिए। जय हिंद जय भारत।